शहीदों के नाम पर मैं, मेरा जो मूल है क्योंकि मेरे दादाजी भी सेना में रहे हैं और 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें लड़े हैं वो, तो मेरा सौभाग्य मैं एक सैनिक परिवार से हूँ, मेरे रगों में एक सैनिक का रक्त दौड़ता है। मुझे आप राजनीति में कुछ भी करो, किसी से भी लड़ो, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सेना पर जब कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति शायद कहीं ना कहीं दुखी होता होगा, और उसको भी उस शौर्य पर जब प्रश्न चिन्ह पैदा किया जाता है तो क्रोध आता होगा। मैं जब आज की राजनीति उन बेटों की शहादतों को जब चंद खनकते सिक्कों पर तोलती है, तो चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि दुनिया की सारी दौलत अगर सैनिक के पिता को या परिवार को सौंप दी जाए, उनके बेटे की शहादत की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। चार पंक्तियां देना चाहता हूं। जी सर, स्वागत है, बोलिए सर, स्वागत है। कि कब किन हालातों में लड़ते हैं, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, ध्रुतारा बन जगता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुतारा बन जगता है मावस के घोर अंधेरों में, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करते बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का। कुछ राजनीतिक नेताओं ने, कुछ दलों के कुछ राजनीतिक घटिया सोच वाले नेताओं ने उनकी शहादतों को जब तोला, पहली चार पंक्तियां वो है, वो मेरी ओर से नहीं, उनकी ओर से जो उनकी भाषा थी, अंतिम दो पंक्तियां वो है जो देशभक्तों की ओर से उन राजनेताओं को देना चाहता हूं, धिक्कारना चाहता हूं। उन्होंने क्या बोली सुनिएगा। स्वागत साहब, स्वागत। कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कितनी घटिया सोच है शहादतों के प्रति। कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है, जो धोबी का हो जाता है वो सेना में जाता है। और जवाब, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खा कर देखो। क्या बात है, शानदार शानदार। आज होली का उत्सव देखो, बिल्कुल शानदार। सीने में गोली खा कर देखो, जय हिंद जय भारत। क्या बात, वंदे मातरम। जय हो, बहुत सुंदर। आज होली के पावन पर्व पर हमारे बीच में भाई साहब परमानंद जी दादी कवि राज के जो कोटा से पधारे, पर्यटक नगरी श्री कामखेड़ा वाला जी नाम पर, इन्होंने आज होली का जो महोत्सव है बड़ा ही शानदार तरीके से बिल्कुल एक देशभक्ति माहौल में ढाला है। इसी बीच में हमारे दादी जी सर आज होली के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहते हो, कैसे खेलना चाहिए होली, लोग कीचड़ से भी खेलते थे पहले। देखिए सर, बात ऐसी है कि बड़ा ही दुखद समय है वैसे, जो लोग आज हमारे देश में जो लोग खून से होली खेला करते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया करते हैं, उस पर बहुत ही अच्छी बात भाई साहब ने, परमानंद जी कवि राज ने बताई, और मुझे भी दो शब्द याद आते हैं कि जो लोग अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, आज उन लोगों ने होली खेलने के लिए पुलवामा जो हमारा कांड हुआ उसके विरोध में आज वो होली नहीं खेल रहे हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुखद घटना है। और इस दुखद घटना के समय मैं यही चाहूंगा कि हम सब लोग, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सब लोग ऐसा चाहें कि जब हमने किसी एक नेता को चयन कर लिया है और चयन करने के जब हमने उसको वोट देकर के चयन किया है, हमारे देश के लिए उसको रक्षा के लिए कुर्सी पर बिठाया, तब जब वो कोई निर्णय लेता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, यदि अच्छा निर्णय है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और अगर अच्छा निर्णय नहीं है तो कहने का एक तरीका होना चाहिए, जिस तरीके से साम्य भाषा में, अगर सौम्य भाषा में अगर हम कहें उस जवाब को, बहुत अच्छी बात, राजनीति की भाषा बहुत अच्छी होगी इसके बारे में। हमारे मैं यही चाहता हूं कि जैसे आज हम, मैं एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्रिकेट की टीम ने में हमने विराट कोहली जी को कप्तान बना दिया, और कप्तान बनाने के बाद में अभी पिछली जो घटना हुई हमारी, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हार गए हम, तो वो बैटिंग पिच में कुछ लोगों ने कहा होगा कि इसको हमें बैटिंग लेना चाहिए, किसी ने कहा होगा बॉलिंग लेना चाहिए,
ठीक है, विराट कोहली ने खुद ने भी सोचा होगा कि हम बैटिंग ले लेते हैं, बैटिंग लेने के बाद में यदि हम हार गए तो हारने के बाद उन लोगों ने जिन्होंने कहा था कि हमें बैटिंग नहीं लेना चाहिए था, उन लोगों ने उसका विरोध किया होगा। अगर वो विरोध नहीं करते और ये कहते कि ठीक है विराट कोहली ने हमारा जो निर्णय ले लिया वो ठीक है लेकिन हम इसको अच्छी तरह से खेलेंगे और मजबूती से खेलेंगे तो हमारे जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती। अगर वो विरोध नहीं करते तो हमारे जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती। तो ठीक, मैं इसी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमने प्रधानमंत्री जी को उस कुर्सी पर बिठा दिया और उन्होंने जो निर्णय लिया है पुलवामा हमले के विरोध में जो उन्होंने स्ट्राइक की उसके बारे में आज सेना के बारे में न जाने कर कैसे कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये प्रश्न नहीं उठा करके हमें ये सुझाव देना चाहता कि इसको और इस तरह से करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अच्छी भाषा का प्रयोग करें और आज होली का ये पर्व है, इस पर्व पे हम ये चाहते हैं कि हमारे जाने अनजाने में जो भी कुछ हुआ है किसी के प्रति तो उसको हम भूल करके गले मिलें, रंगों के इस द्वार पर हम यही चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर सभी पार्टियां हम आज इस होली के अवसर पर एक हो जाएं बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की बात है। और जय हिंद जय भारत।